कार्तिक की खासियत पता है क्या होती है? कार्तिक रिजल्ट 2 महीने बाद 6 महीने बाद नहीं देता है। कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु सोकर उठने वाले होते हैं। शरद ऋतु होती है, ठंड हल्की हल्की होती है, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, वो कार्तिक में जाकर गंगा जी यमुना जी में स्नान करते थे, घरों में स्नान नहीं करते थे। आप और हम घर में स्नान करते हैं। सो होता क्या है, कार्तिक में जब आप दीप जलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो उसके इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, मतलब हैंड टू हैंड। यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ, यू कैन सी द लॉट ऑफ वर्क इन योर लाइफ, यू कैन सी द लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन योर लाइफ। सडनली आपकी लाइफ में जो रोक होती है, रुकावट होती है, वो एक एक करके ख़त्म होने लगती है। मैं तो आपसे कहूँगी, किचन में भी खाना बनाते हो ना, तो जहाँ पर पानी पीने का है, जो पीते हो, खाना बनाते बनाते वहाँ दिया बना के रखो। लेकिन क्योंकि मंगल नीच का हो गया है, तो आग लगने की घटनाएं बहुत आएंगी। दीपक जलाओ, छोटा जलाओ, कम जले, और फिर उस पर नज़र रखो, फ़ोन में मत घुस जाओ प्लीज़। आप जब सुबह उठो तो अपना खूबसूरत टाइम सिर्फ अपने आप को दो, दूसरे की पोस्ट देखने में मत दो। चाहे ये बात मेरे पर भी लागू होती है, मुझे भी मत देखो, क्योंकि इस पावन महीने में नहाना, स्नान करना, दान करना, पाठ करना, नाम जपना, हरि बोलना, ओए होए, भाग्यवान लोग होते हैं करोड़ों में से जो कार्तिक करते हैं। ईश्वर कार्तिक नहाने की परमिशन हर किसी को नहीं देता, नहीं देता। अगर अपने पूरे जीवन काल में आपने कार्तिक एक बार भी कर लिया तो ओए होए,